आप जिस फ्लैट में रहते हो उसका मालिकाना हक आपके पास है, लेकिन फ्लैट जिस जमीन पर है उस पर किसका मालिकाना हक है? कौन है उस जमीन का मालिक? क्या आपको पता है? इस तरह के सवाल आपको परेशान कर रहे हैं, तो जवाब के लिए देखिए MNS मीडिया न्यूज सर्विस और महासेवा न्यूज की इस पॉजिटिव खबर। फ्लैट के मालिक आप, तो उस जमीन का मालिक कौन? आपके हक का घर और जमीन मालिक अभी भी बिल्डर? करोड़ों फ्लैट मालिकों के पास जमीन का मालिकाना हक नहीं। आपने अपने फ्लैट के लिए लाखों करोड़ों रुपए जमा पूंजी देकर अपने सपनों का घर लिया, लेकिन उन सपनों के घरों के नीचे की जमीन पर आपकी मालिकी नहीं, क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से राज्य की लगभग 1,20,000 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में से तकरीबन 80,000 हाउसिंग सोसाइटी की जमीन मालिकी अभी भी बिल्डर और लैंड ओनर के पास है। सोसाइटी को जमीन का मालिकाना हक पर फ्लैट मालिकों और बिल्डर के बीच विवाद होते हैं। उप निबंधक कार्यालय के अधिकारी भी इसमें रुचि नहीं दिखाते। ऐसी शिकायत फ्लैट मालिकों की होती है। सोसाइटी को जमीन का मालिकाना हक जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कायदा क्या बोलता है? मूल जमीन के 7/12 पर सोसाइटी का नाम ऐड करवाने के लिए महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट 1963 एक्ट कायदा है। बिल्डर द्वारा बांधकाम पूरा करने के बाद 60% फ्लैट बेचने के बाद 4 महीनों के अंदर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाना बंधन कारक है। यदि बिल्डर टाल मटोल कर रहा है तो उस बिल्डिंग के 11 सदस्य सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव जिला सह निबंधक को भेज सकते हैं। मतलब 4 महीनों में हाउसिंग सोसाइटी और इसके बाद डीम कन्वेंस के जरिए जमीन का मालिकाना हक भी मिलता है। यह हमारा नहीं, खुद सहकार आयुक्त अनिल कवड़े साहब का कहना है। महाराष्ट्र मालकी हक्का सदनिकां बदल अधिनियम 1963 ज्याला थोड़क्या मध्ये मोफा कायदा म्हणतात, तर ह्या मोफा कायद्यामध्ये तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत आणि ह्या तरतुदीला अनुसरून आपली इमारत त्या ठिकाणी एखाद्या विकासकांनी किंवा बांधकाम व्यावसायिकांनी बांधली, ती बांधल्यानंतर त्या ठिकाणी बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर आणि ठराविक सदनिकांची किंवा गाड्यांची विक्री झाल्यानंतर त्याची सोसायटी करणे आणि त्याचं जमिनीचं आणि इमारतीचं हस्तांतरण 4 महिन्यामध्ये करणे अशी बंधनकारक आहे, परंतु ही गोष्ट बऱ्याच ठिकाणी होत नाही आणि म्हणून या मोफा कायद्याच्या कलम 11 अशी तरतूद करण्यात आली की या ठिकाणी जिथं आपल्याला अशा प्रकारे हस्तांतरण होत नाही आणि मालकी हक्क जमिनीचे आणि इमारतीचे लोकांना मिळत नाही, तिथं शासनाचं इंटरव्हेन्शन, शासनाची त्या ठिकाणी भूमिका असायला पाहिजे आणि म्हणून त्यामध्ये तरतूद अशी केली की हा कलम 11 जे ह्या मोफा कायद्याचा आहे त्याच्या अंतर्गत ही जी नवीन सहकारी गृहरचना संस्था आहे ती त्या ठिकाणी अशा पद्धतीने जमीन आणि त्या इमारतीच्या मालकीच्या हस्तांतरणाबद्दल ज्याला मानव अभिहस्तांकन आपण मराठीमध्ये म्हणतो, इंग्रजीमध्ये डीम कन्व्हेन्स म्हणतो, त्याच्यासाठी अर्ज तिथल्या जिल्हा उपनिबंधकाकडे करायचा असतो आणि त्याची एक प्रक्रिया आहे, त्या प्रक्रियेला अनुसरून तो अर्ज केला की मग आपल्याला या मानव अभिहस्तांकनाच्या प्रक्रियेकडे किंवा त्याच्या पूर्णत्वाकडे जाता येतं आणि लोकांना मालकी हक्क त्यामध्ये मिळू शकतात। लोकांना म्हणण्यापेक्षा मी म्हणेन सोसायटीला। आपने स्टॅम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस देकर फ्लैट खरीदा तो फ्लैट मालिक हुए, लेकिन फ्लैट के नीचे की जमीन बिल्डर या लैंड ओनर के नाम ही होती है और इसका फ्लैट मालिक को पता नहीं होता। पता कब चलता है? जब बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट की बारी आती है और तब सोसाइटी और बिल्डर के बीच जमीन के मालिकाना हक पर बड़ा संघर्ष शुरू होता है। इसलिए जागरूक बनो और आपकी सोसाइटी की जमीन सोसाइटी के नाम से करवा कर ले लो डीम कन्वेंस के जरिए। महाराष्ट्र शासन के सहकार विभाग ने जनता के लिए पहल की है डीम कन्वेंस विशेष मुहिम 2023 शुरू कर। सह निबंधक कार्यालय में जाकर जानकारी ले सकते हैं या डीम कन्वेंस का प्रस्ताव भेज सकते हैं। डीम कन्वेंस की विशेष मुहिम पर मुंबई उपनगर जिला हाउसिंग फेडरेशन के अध्यक्ष अभिषेक घोषालकर व सचिव CA रमेश प्रभु ने भी फ्री बुकलेट, पब्लिक सेमिनार व हेल्पलाइन नंबर के जरिए इस मुहिम में बड़ा योगदान दे रहे हैं। आप भी इन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और फ्री बुकलेट लेकर जागरूक बन सकते हैं। हमारी इस पॉजिटिव खबर पर लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।